हाँ जी, JEE 2023 लगभग एक हफ्ते ही दूर है, कुछ लोगों का तो उससे भी पहले एग्जाम है। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस तीन ऐसी बातें जो अगर आप फॉलो करते हैं आने वाले 7, 8, 10 दिन जो भी आपके पास टाइम है, तो आप बहुत ही बेहतरीन अपने स्कोर को बना सकते हैं। ठीक है, तीनों बातें शुरू करते हैं यार फटाफट से एकदम। ठीक है, उससे पहले यार हमारा JEE 2023 की एक बहुत ही प्यारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जो केवल 499 रुपीज़ की है। उसमें 16 टेस्ट आपको मिलेंगे और ये अप्रैल अटेम्प्ट तक वैलिड है, और हमारा क्रैश कोर्स तो है ही, जो भी आपका जेई मेन तक अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा अप्रैल अटेम्प्ट तक, और इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है क्रैश कोर्स में। तो अगर आप इनमें एनरोल्ड नहीं है, इनको चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ये आपको भी लास्ट के 6-7 डेज में तो हेल्प करेंगे, साथ ही में आपके अप्रैल तक ये वैलिड है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी कि भाई यार मतलब आप बाद में भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चेक कर लेना, बहुत ही प्यारा रिसोर्स है ये। सबसे पहली जो मैं बात बोलूंगा वो रहेगा आपका नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स। ठीक है, अब ये नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए अभी आपके कई सारे जो फ्रेंड्स होंगे, या आप हो सकते हैं खुद भी, या आपके टीचर्स आपकी कोचिंग भी, अभी सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे बहुत ही पॉपुलर या मेन स्ट्रीम चैप्टर्स पर, राइट? चैप्टर्स लाइक सेंटर ऑफ मास और रोटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जीओसी और अल्कोहल्स, या इस तरह की चीजें। ठीक है, जो मेन स्ट्रीम चैप्टर्स है, वेक्टर्स वगैरह हो गए, ओके, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, लेट्स से, तो ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उन पे फोकस कर रहे होंगे, और आपका फोकस उस पे है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इनमें से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आप अभी से स्टार्ट करके समझ सकते हो, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। अगर आपको हल्का सा भी नहीं आता है, अब आप कुछ नहीं कर सकते उसका, राइट? अप्रैल अटेम्प्ट में हम कर सकते हैं, लेकिन जनवरी में हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? टाइम ही नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर आप उन चैप्टर्स पे फोकस करोगे, उसका कोई इतना सेंस नहीं है। रिविजन करना है, ठीक है, आपको चैप्टर आता है रिविजन करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो मैं एडवाइस दूंगा अभी, कि जो भी नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स है, मतलब नॉट सो पॉपुलर चैप्टर्स, जैसे क्या क्या हो गए, जैसे आपका स्टेटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपका जैसे फिजिक्स में बात करें तो ये क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल्टरनेटिव करेंट, ये तरह के चैप्टर्स जो हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, है ना, ये जो चैप्टर्स हैं सिंपल से, ये चैप्टर्स आप अगले 5 दिन में अगर बैठ के पढ़ोगे काफी जल्दी पढ़ भी लोगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स 3-4-5 घंटे से ज्यादा के नहीं है। मतलब 3-4-5 घंटे में आप शुरू से एंड तक पूरा कर सकते हो, एनसीईआरटी रेफर करना केवल, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और इनसे मिनिमम, इन 6-7 चैप्टर से मिला के मिनिमम 5, 6, 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं, आएंगे ही आएंगे। आप लिख के दे देना, इन चैप्टर से 5, 6, 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे जो टिक करने वाले क्वेश्चन होंगे, और सारे बच्चे इनको छोड़ के आएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। वो क्या करते रह गए, वो रोटेशन सेंटर पास ये सब करते रह गए, और ठीक है उसमें कुछ गलत नहीं है यार, वो बड़े चैप्टर से करो उनको, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते ना उनको। सो फॉर नाउ आई वुड से इन चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं, आपका इजिली नंबर्स थोड़े बूस्ट हो जाएंगे। ये एडवाइस मैं हर साल देता हूँ बच्चों को, ठीक है, पिछले साल भी दी थी, जिन लोगों ने लास्ट के 5-6 डेज में ये चीज़ें फॉलो की उनके नंबर थोड़े बढ़ गए, जिन्होंने नहीं कि उतने नहीं बढ़े, ठीक है। और ये एक एग्जाम ऐसा है जिसमें इवन आप एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करके आ जाते हो ना, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आ जाते हो, आपका रैंक बदल जाता है, ठीक है, और काफी ज्यादा जंप हो जाता है। सो प्लीज फोकस ऑन द नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स फॉर दिस वीक, ओके। सेकंड जो मैं एडवाइस दूंगा आपको, सॉल्व लेस। ठीक है, मैंने कई लोगों की एक टेंडेंसी देखी है कि जैसे 300 नंबर का पेपर है तो हम तो 250 से कम का करके ही नहीं आएंगे, या 200 से कम का करके ही नहीं आएंगे। मेरी बात मानो, आपका जो भी लेवल है एग्जाम में, ठीक है, आपको जितना आता है उतना करके आ जाओ, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरी थोड़े दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि, और ये तो कॉमन प्रॉब्लम, ये तो बहुत बच्चों को रहती है वाली प्रॉब्लम, 2-3 बच्चों ने एक्चुअली पूछ ली इसी हफ्ते ये सेम चीज़, कि वो अटैम्प्ट तो करके आते हैं अच्छा खासा, लेट्स से 180 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आए, लेकिन उनके नंबर 100 आते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि यार आपका पहली बात थोड़ा कम सॉल्व करो, कम सॉल्व करो, लेट से आपका 120 नंबर का ही सॉल्व करके आओ, लेकिन वो 120 पूरा अच्छे से चेक करके वेरीफाई करके कि भाई 120 का सॉल्व क्या है, तो 110 तो आ ही जाएंगे, 100 तो आ ही जाएंगे, ऐसा सॉल्व करके आओ। सिली मिस्टेक्स मत करो फालतू के, ओके, सॉल्व लेस, यू विल गेट मोर मार्क्स, ओके। आपको नहीं आता है, जबरदस्ती तुक्केबाजी करोगे, जबरदस्ती के लॉजिक लगाओगे, या कुछ भी ऐसे अगड़म बगड़म तरीकों से जेई मेन में नंबर नहीं आते, भाई ये कोई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहे कि आ जाएंगे, ऐसे ही तुक्का लगा दिया शायद आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जितना आता है उतना करके आए, और स्पेशली अभी बच्चे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको भी मैं एडवाइस दूंगा कि आप अभी लेट से 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो और उसमें से आप लेके आते हो लेट से 130, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं इस दुनिया में जो अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा करके आते, नंबर उनके कम आते, राइट। तो मैं एक बात बोलूंगा कि आप केवल 150 अटेम्प्ट करो,
ठीक है, स्लो करो, लेकिन वो जो 150 अटेम्प्ट के उसको बहुत अच्छे से चेक करके चलो, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, याद हो तो, कि 30 सेकंड चेक वाली मैंने एक टेक्निक बताई थी। क्या बोला था कि यार हर क्वेश्चन के बाद 10-20 सेकंड बैठ के उसको चेक करो कि क्या वो सॉल्यूशन सही बनाया है, कहीं मैंने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्या मेरी कैलकुलेशन सही है, छोटी छोटी चीजें चेक करो फिर आगे बढ़ो। यस, क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे, मैं खुद कह रहा हूँ कम सॉल्व होंगे, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी तो ओवरऑल मार्क्स कई बार ज्यादा आ जाते हैं। तो एक बार आप कोशिश करो कि आपका जो भी अगला मॉक टेस्ट है, जैसे आज भी हो या कल हो, कम सॉल्व करके एक बार ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो, मतलब परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी अपनी इंप्रूव करो, और फिर धीरे धीरे हर मॉक टेस्ट में 10-10 नंबर का ज्यादा अटेम्प्ट करो। आप धीरे धीरे 200 में से 180 में से ऐसे में पहुंच जाओगे। आप सेम पढ़ाई का लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे सिली मिस्टेक करके आते हैं, उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ सिंपल सा, कम सॉल्व करो लेकिन सही से सॉल्व करो। जब तुम्हारी एक्यूरेसी फिक्स होने लग जाए तब धीरे 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 उसको बढ़ा देना, अभी भी टाइम है, ठीक है। स्पेशली जिन लोगों का एग्जाम लेट से 30-31 को है, उनके पास तो टाइम है ये चीज करने का, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज योर एक्यूरेसी अबव एनीथिंग एल्स। और जो थर्ड मैं आपको एडवाइस दूंगा कि रिड्यूस स्टडी टाइम, ठीक है। अब ये क्या बात हुई भाई, ये बात ये हुई कि यार आप अभी तक पूरे 2 साल आपने पढ़ाई की है, और सच्चाई ये है कि जिसका जो रिजल्ट आना था वो तय हो चुका है, किसकी AIR टॉप 100 के अंदर आएगी, किसके 250+ आएंगे वो तय हो चुका है, किसके 100 बिलो आएंगे वो तय हो चुका है, किसके 150 आएंगे वो तय हो चुका है, और आपको खुद को पता है कि आपके कितने नंबर आएंगे, ठीक है, आपको खुद को पता है। हाँ, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, अब जैसे आपको ये नहीं पता है कि मेरे तो यार 125 नंबर फिक्स आएंगे, हाँ 120 आ सकते हैं, 130 आ सकते हैं, 115 आ सकते हैं, 150 भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा जिसके 120 आने वाले थे वो 300 ले आके, यार ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको भी पता है, जिसके नंबर फिक्स है कि भाई 250+ तो आएंगे, वो 150 पर ही आने वाले, सबको पता है। लेकिन क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि यार आप लाने वाले थे, आप 180 लाने वाले थे, ठीक है, और आप अभी अपने आप को इतना स्ट्रेस कर लें कि एग्जाम के दिन आप पूरी तरह प्रेशराइज हो जाए और आप लेके आ जाए 100 या 90। ऐसा हर साल होता है बच्चों के साथ, प्रेशर में एग्जाम बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको अपने स्टडी आवर्स थोड़े कम करने हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि आपके मार्क्स की अपर लिमिट तय हो गई है, लोअर लिमिट का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अपर लिमिट तय हो गई है कि भैया तुम्हारे इतने नंबर आने वाले हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को जबरदस्ती प्रेशराइज करोगे आने वाले 6-7 डेज में, तो वो नंबर जो आने वाले थे वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़, आपने बहुत मेहनत की है पिछले 2 साल 2 महीने जितने भी देर से आप पढ़ रहे थे, अब थोड़ा स्टॉप लीजिए, धीरे धीरे पॉज कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज से बैठ के डोरेमोन देखने लग जाओ, नहीं, ठीक है। वैसे तुम लोग कहाँ डोरेमोन देखते हो आजकल, मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार आप थोड़ा सा, आप लेट से आप डेली 8 आवर्स पढ़ रहे थे, कल 7 पढ़ो, परसों 6 पढ़ो, ऐसे कम करते करते लास्ट डे आपको 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि जेई मेन से पहले वाले दिन 15 घंटे पढ़ रहे थे, रात को सोए नहीं, फिर नींद आ रही है एग्जाम में। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। अभी वो कहीं अच्छी, आई थिंक गुड़गांव में किसी अच्छी हार्डवेयर कंपनी में काम करता है वो। वो अपने जेई एडवांस के पेपर 2 में सो गया था 1 घंटे तक, 1 घंटे तक वो जेई एडवांस के पेपर में सो गया था, फिर भी IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल वो आ गया, होशियार बच्चा था। लेकिन आपके साथ शायद इतना आप लकी ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ एग्जाम के दौरान जगे रहें, अपने अभी वाले स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा कम करते जाए, थोड़ा सा स्टडी टाइम डेली कम करते जाए, और कोशिश करनी है कि लास्ट डे हम 4-5 घंटे से ज़्यादा ना पढ़े और एकदम फ्री मोड में एग्जाम देखा हो। क्योंकि मैंने क्या बोला, अपर लिमिट तय हो चुकी है आपके मार्क्स की, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चलो ठीक है 2-4 दिन और है जिसमें आप ये अनकन्वेंशनल चैप्टर्स पढ़ लेना, 4-5 दिन बस तय है कि मतलब आपके 150 नंबर आने वाले थे, ठीक है, 160-170 आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके हमें 100 नहीं करने अपने आप को स्ट्रेस करके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। अगर आपको ये सब करने में और हेल्प चाहिए, आप तुरंत जाइए और JEE 2023 कोर्स में एनरोल होइए। क्योंकि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेरी बात शायद समझदार लग रही है कि हाँ यार शायद कुछ हमें मदद हो रही है। तो आपको इस वीडियो से अगर हेल्प हो रही है, इस कोर्स से, तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। हर एक टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज का मैंने खुद डिज़ाइन किया है, क्रैश कोर्स में तो पढ़ाया भी मैंने आपको, और एक मैं एडवाइस दूंगा जिन भी बच्चों ने क्रैश कोर्स हमारा ले रखा है मेरे, उसमें वो जो लेक्चर्स है ना, JEE मेन रिवीजन लेक्चर्स, JEE मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सेक्शन है ना, वो पूरा छपा जाना आने वाले 4-5 दिन में, सॉल्व इट कम्प्लीटली। ट्रस्ट मी, तुम इतने आगे बढ़ोगे ना, तुम्हें खुद पता चलेगा कि मतलब प्लीज डू इट, ओके। अगर कर लिया तो एक बार वापस से देखना, तुम्हें बहुत हेल्प होगी। और जो बच्चे नहीं एनरोल्ड है, अभी तुरंत जाके हो जाओ, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई यार आपका कोई बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल डेंट लगेगा। प्लस ये आपको अप्रैल अटेम्प्ट या JEE एडवांस तक वैलिड रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा, जैसे JEE एडवांस वाला कोर्स लेते हो तो वो एडवांस तक वैलिड है। तो आपका ऐसा भी नहीं है कि अभी 7 दिन ही है, आप उसको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए डेफिनेटली पढ़ सकते हो। सो डू गेट इट राइट अवे, ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार तीनों बातें आई होप समझ में आई हो। पहली बात ये थी कि नॉन कॉम्बिनेशनल चैप्टर्स जो होते हैं, जो चैप्टर्स यूजली लोग कोचिंग में नहीं ध्यान देते हैं, उनको आप ध्यान दीजिए। क्योंकि टीचर्स को, सॉरी एग्जामिनर्स को पता है
कि बच्चे यूजली ये चैप्टर्स नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन डालते हैं और इजी क्वेश्चन डालते हैं। मतलब मेरे को याद है मेरा जब 360 वाला पेपर था ना, उसमें एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा ऐसा कुछ था कि अगर रेन हो रही है तो उसमें लेड का कितना अमाउंट मैक्सिमम अलाउड है बिफोर दैट रेन इज कंसिडर्ड टॉक्सिक। तो मैंने बस एक दिन पहले ही वो पढ़ा था, एक टेबल थी उसके अंदर, मैंने देखा था अच्छा इतना होना चाहिए, तो मैंने उसी समय टिक कर दिया और मेरे आंसर आ गया। मैं नहीं पढ़ के आता तो नहीं आते नंबर, ठीक है, और उससे आपका पूरा फ्यूचर चेंज हो सकता है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि एक दो क्वेश्चन अभी तो आपको लग रहा है क्या है हटाओ, लेकिन उससे आपका पूरा कॉलेज चेंज हो सकता है और आपका पूरा आगे का पूरा फ्यूचर टाइमलाइन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। वो आप देखते रहते हो ना डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह जो भी है, समझ जाओ यार, ठीक है। सेकेंड, कम क्वेश्चन सॉल्व करें, अटेम्प्ट लेस, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी अच्छी रखें, उसको धीरे धीरे इत्मीनान से करें। अभी अगले मॉक टेस्ट में आप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच चलेंगे और एक्यूरेसी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे मॉक टेस्ट में स्पीड बढ़ाएंगे और होपफुली बाय द टाइम यू आर गिविंग योर जेई मेन एग्जाम इन जनवरी आप थोड़ा सा बेटर एक्यूरेसी शायद रख पाएंगे। एंड थर्ड, स्टडी टाइम धीरे धीरे कम करो, स्ट्रेस होकर एग्जाम में मत जाना, बुरे वाले पिटोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब कर देना, सारे इन चीज़ों के लिंक कोर्स के और टेस्ट सीरीज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना, देख लेना उनको।